নমস্কার আমি সুরঞ্জন আপনারা দেখছেন ম্যাক্স টিভি আজ গতকাল যে ম্যাচটি শেষ হয়ে গিয়েছে ভারত এবং সাউথ আফ্রিকার মধ্যে ভারত এক ইনিংস এবং বত্রিশ রানে হারা হেরে গিয়েছে এই ম্যাচের সমস্ত জায়গায় অ্যানালিসিস হয়েছে ভারতের এরকম অবস্থা কেন হল ইতনি বুড়ি তিকে সে কেউ টিম ইন্ডিয়া হার গেই सबका एनालिसिस मैंने सुना मुझे जो लगा कि रोहित शर्मा अभी भी वर्ल्ड कप का जो हार है फाइनल में उससे उभर कर नहीं आ पाए एक दूसरा जो लोग मैच फॉलो किए उन लोगों को पता है ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द टॉस टॉस जीतने के बाद टिंबा बबूमा ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया जब रोहित शर्मा से पूछा गया रोहित शर्मा ने कहा कि आई एम नॉट श्योर ए ब्लेसिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है तो रोहित शर्मा मुझे लग नहीं रहा है कि उसका ध्यान जो है क्रिकेट के तरफ में है अगर है भी तो वो अपने आप में बहुत कंफ्यूजन में भुगत रहे हैं इसका दूसरा वजह ये भी है कि इसका उसका जो मुंबई इंडियन का कप्तानी था वो भी उससे छीन लिया गया और वर्ल्ड कप का हार ये सब मिला करके रोहित शर्मा एब्सोल्युटली क्लू अब चलिए सपोर्ट स्टाफ का बात करते हैं राहुल द्रविड और बैटिंग कोच आप किसको बनाए विक्रम राठौर जिसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस है और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही बेकार उसको आप बनाए बैटिंग कोच बॉलिंग कोच है परश मामरे इतना दिनों से इन लोगों से ये काम कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका में मैंने पहले एक वीडियो में कह चुका था कि साउथ अफ्रीका में हो सकता है कहीं पर अगर ग्रीन टॉप मिल जाए तो इंडियन के बॉलर जो है थोड़ा उत्साहित हो जाते ज़्यादा और वो लोग गेंद कहां पर फेंकना है नहीं है ये उन लोगों को समझ में नहीं आता यही हुआ सुपर स्पोर्ट्स पार्क में और तीसरा ये जो लंबे लंबे वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे ये जो रेस्ट लेते हैं ये लोग इसका असर भी पड़ता है टेस्ट में आप नए खिलाड़ी को लाए उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उन लोग को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा उन लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा सीनियर से जशस्वी जसवाल हो चाहे शुभमन गिल हो चाहे दूसरा कोई हो उसको इंस्पिरेशन मिलेगा तो मिलेगा सीनियर प्लेयर जो है जो लो पहले है, Africa, उन उन लोग पहले टूर कर चुके हैं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया उनसे उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है अचानक से जडेजा का स्पैजम हो जाना और जडेजा को छूट जाना टीम से अश्विन को आपने खिलाया आपने पहले दिन जब एक विकेट गिर गया मकरम का उसके बाद में जब लंच में गए लंच के बाद में आप कौन हिसाब से शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा से गेंद कराए वॉट इज योर ट्रैक्टिस वॉट इज यूर टेक्निक टैक्टिकली वट यू आर ट्राइंग टू डू यू आर टोटल कंफ्यूज व्हाट यू हैेस कॉन्फ्रेंस इतना दिनों से गेन कर रहा है हर एक गेंदबाज को चल करके नहीं बोला जा सकता ये करो वो करो बोलना चाहिए प्लान करना चाहिए यू हैव टू क्रिएट विकेट राधर देन यू आर वेटिंग फॉर द विकेट टू फॉल ये तो करना चाहिए यही कप्तान का काम है उन लो वो लोग कैसे किया गेन लोग जो गेंदे फेंकी वो लोग कैसे किया दे हैव बोल्ड वन साइड ऑफ द विकेट एंड वन चैनल एंड वॉट यूर बोलर बोलर वॉज डूइंग इधर दे आर बोलिंग टू फुल इधर दे आर टू शॉर्ट और दे आर बोथ साइड ऑफ द विकेट तो ये किसका काम है कहना ये कप्तान का काम है सपोर्ट स्टाफ का काम है राहुल द्रविड का काम है बॉलिंग कोच का काम है आप लोग को पता चला वो लोग जब गेंदबाजी किए जब कहां पर वो लोग गेंद फेंक रहे थे और सबसे आश्चर्य वाली बात दस खिलाड़ी से वो लोग मैच जीते हैं टेम्बा बाबूमा वॉज नॉट देयर और एलगर कितना दफे बीट हुए लेकिन उसको एज नहीं लगा बुमरा एंड सिराज बोथ वेयर रिलेक्टेंट

आपको करना क्या चाहिए था राउंड द विकेट जाना चाहिए था उन लोग को हर एक बैट्समैन के लिए प्लान है विराट कोहली को पहले इनिंग्स में कैसे आउट किया इट्स अ पीच ऑफ ए डिलीवरी एज पर गावस्कर सर टोल्ड इन द मीडिया इन द कॉमेंट्री इन द मीडिया दैट कोई ग्रेट प्लेयर ही होगा जो बल्ले को छू सकता है उस गेंद को लेकिन वही अब पहले का सीरीज उठा के देख लीजिए उसमें भी वही है they are bowling constantly on the channels outside the off stump fourth and fifth stump in between fourth and fifth stump just back of a length fourth and fifth stump line because virat kohli initial movement is on the front foot he is not playing on the back foot he is playing always his initial movement is on the front foot So, ये जो सारा चीज है जो रोहित शर्मा बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग को प्रैक्टिस मैच में निहाई का ये मिलता है तो पहले पता होना चाहिए 19 दिसंबर को खत्म हुआ 19 नवंबर को खत्म हुआ था फाइनल वर्ल्ड कप का उसके बाद में इतना दिनों तक आपने वनडे नहीं खेला आपने टी नहीं खेला आपने प्रसिद्ध कृष्णा को किस हिसाब से लिया जो वनडे में क्लूलेस था वनडे में उसका इतना पिटाई हुआ कि वनडे में वो क्लूलेस था फिर अब लिए क्यों उसको टीम में आप अगर आपका पास में इतना भी कहने का ताकत नहीं है समझाने का जरूरत आप नहीं समझते हैं कि आपको समझाने का जरूरत है कि कैसे गेन किया जा सकता है तो वो कौन समझाएगा हुई विल टोल दिस थिंग्स हुई विल टेल देम किसको कहना चाहिए या बॉलिंग कोच को कहना चाहिए या जो हेड कोच है उसको कहना चाहिए या सापो स्टाफ में जो है लैपटॉप लेकर के बैठे हुए क्या करते हैं ये लोग डी नेलगर का कोई वीकनेस नहीं है ये एकदम बिल्कुल ही नहीं आपका पास में कोई प्लान ही नहीं है यू डोंट हैव एनी प्लान यू पीपल लर्न फ्रॉम आउटसाइड नॉइज समथिंग ओके यू हैव प्लेड सो मेनी क्रिकेट्स What is your average, Mr. Sharma? What is your average in South Africa? Right now, you are playing and you are not, still, you are not in that frame of mind. You have lost the World Cup final, you have lost the Mumbai Indians captaincy, and what that is hurting you. ये सीधी सा बात है रोहित शर्मा को बुरा लगे आउटसाइड नॉइस को सुनना चाहिए कभी कभी बहुत सा महान खिलाड़ी को आउटसाइड नॉइस सुनना पड़ा सुनील गावस्कर सर को भी सुनना पड़ा था वो किस किस गेंदबाजों से खेले थे ये आपको पता होना चाहिए ये कौन सा साउथ अफ्रीकन टीम है जिसके साथ में आप खेले और कौन सा साउथ अफ्रीकन टीम के साथ में हम लोग खेले हम लोग बल्लेबाजी नहीं करने जानते ये नहीं है हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कभी कभी मतलब जब क्रांस सिचुएशन आता है কিলার ইনস্টি আমলো আপলোকা খোঁজ আয় যখনই কোনো বড় ম্যাচে কোনো কিছু বড় ট্যুরে যখনই কোনো কিছু এক্সপেকটেশন থাকে তখন আমরা মিজরে ফেল করি ব্যাটিংয়েও ফেল করি ফেল করি এখানে তো ক্যাপ্টেন্সি তো আমরা ফেল সেটা মেনে নেওয়া উচিত শেখা উচিত শেখার শেষ নেই আপনি ছত্রিশ বছর বয়সে এমন কিছু হাতি ঘোড়া মেনে ইউ ব্যাটেড ব্রিলিয়েন্টলি বাট कैप्टेंसी मेटेरियल इज मिसिंग सामाउ इट इज मिसिंग आप उभर नहीं पाए अभी तक ये मान लीजिए क्या अभी भी वो हार्ट कर रहा है मुझे वर्ल्ड कप का जो फाइनल का हार है और उसके बाद में आप लोगों का ये जो ऑप्शनल uh, प्रैक्टिस ये कुछ समझ में नहीं आता आई पी एल के लिए खेलने आपको दूसरे कंट्री से सीखना चाहिए कि वो लोग कैसे नेशनल प्राइड के लिए कैसे खेलते हैं आप लोगों उस आप लोगों को हारने के बाद आप लोगों से ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगता लेकिन आप लोगों का गलती आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तो सही बात नहीं है आई एम सींग दिस सीरीज इंडिया विल लूज दिस सीरीज बाई टू जीरो आप एक सौ एक ओवर बल्लेबाजी किए आप बोल रहे बल्लेबाजी में कभी कभार हो सकता है मतलब मतलब क्या वट इज योर प्रिपरेशन ठीक है आप वहां पर गए आपको ऊपर में गेंद नहीं आ रही थी तो जब इंडिया में थे इंडिया में ही वैसे कुछ वांगकेड़े का पीछ में कुछ घास उस रख के उसमें ही प्रैक्टिस कर लेते ये सब एक्सक्यूजेस देने से नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया में चल करके हम लोग हराए ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका में भी हम लोग हराए लेकिन हम लोग जब हारते हैं तब बुरी तरीके से हारते हैं बोलिंग बॉलिंग वॉज क्लू लेस किस क्या करना है कहां पर फेंकना है कहां पर गेन करना है मतलब दे आर एक्सपीरियंस वॉट एक्सपीरियंस दे हैव गॉड एक्सपीरियंस का मतलब क्या है आप कप्तान है यू आर ऑन द फील्ड यू हैव टू आस्क योलर टू बोल इन दिस लाइन यू हैव सेट अ फील्ड ऑन द ऑफ साइड एंड दे आर बोलिंग इन द ऑफ साइड एंड ऑन साइड बोथ द साइड ऑफ द विकेट बना के रख दिया आपको डीनेलगढ़ अश्विन को आप लोग खिलाए आप लोग को पता होना चाहिए पचास ओवर का खेल में अर्शदीप सिंह ने कैसे गेंदबाजी की आज और एक खबर आ गई कि आबेश खान को इंक्लूड कर दिया गया टीम में तो व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ द मैनेजमेंट ये कुछ समझ में नहीं आता डब्ल्यू फाइनल हारे

তাদের করা উচিত নয় ট্রানজিশন পিরিয়ডে যখন থাকে টিম রোহিত শর্মা যখন টিমে ঢুকেছে বিরাট কোহলি যখন টিমে ঢুকেছে তখন সিনিয়ররা তাদেরকে গাইড করেছে তাদের পারফরমেন্স দিয়ে গাইড করেছে তাদের কথা দিয়ে গাইড করেছে তাদের মোটিভেশনাল ওয়ার্ড দিয়ে গাইড করেছে সেটাই তো হওয়া উচিত সমঝা নেই যা সকা লঞ্চকে বাদ মেয়ে আপ বুমরা কো নেই লাগে কেউ হোয়াট ইজ দ্য রিজন प्रोसेस ही आप लोगों का गलत है आप बहुत बड़े प्लेयर है हिटमन शर्मा है ऑलवेज यू आर रिलाइंग ऑन विराट कोहली यू हैव ड्रॉप चेतेश्वर पुजारा यू हैव ड्रॉप्ड अजिंक रहाने यू हैव गॉन विद द यंग गन्स नो प्रॉब्लम देन एज अ कैप्टन यू हैव टू लेट फ्रॉम द फ्रंट बट वॉट इज हैपनिंग बैक ऑफ योर माइंड दैट वर्ल्ड कप फाइनल लॉस and losing the captaincy of mumbai indians still haunting you that's the truth आप लोग जब हमारा देश में कोई आता है तो हम लोग गैंक टर्नर का सोचते हैं कभी-कभी वही उल्टा पड़ जाता है when you have asked about the toss what you will do आप क्या करते अगर आप टॉस में जीतते तो आपने क्या बोला आई एम नॉट श्योर वाई यू आर प्लेइंग सो मच ऑफ क्रिकेट डाउन द लाइन योर एवरेज इज फिफ्टी वॉट इज योर एवरेज इन साउथ अफ्रीका सो वो जो बीत गया उसको आपको भुलाना चाहिए आपको मास्टरमाइंड माइंड कहा जाता है एज ए यू आर ए वेरी टेक्टिकल ट्रिकी कैप्टन वो दिखाई नहीं दिया कैप्टन का बॉडी लैंग्वेज जो है वो डाउन है इस वजह से आपका बुरा लग सकता है किसी भी एनालिस्ट को बुरा लग सकता है ब्लाइंड हो सकता है मैं ब्लाइंड नहीं हूं मैं ब्लाइंड नहीं हूं बहुत बड़ा बड़ा को मैंने देखा सुनते हुए वो ब्लाइंडनेस मेरे में नहीं है आपका दिमाग में अभी भी चल रहा है इससे पहले बाहर आइए और राहुल द्रविड को इतना टिमिड होकर के टीम चलाने का जो तरीका है वो तो बिल्कुल ही गलत यू हैव टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर एंड यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव ऑन दिस थिंग्स विक्रम राठौर इज योर ही इज योर बैटिंग कोच ये तो पहले से मुझे तज्जब बना कि संजय बंगर के जगह में आप लोग विक्रम राठौर को ले आए क्यों संजय बंगर बंगर ने बहुत अच्छा काम किया एज ए बैटिंग कोच विक्रम राठौर का तो कोई लगता ही नहीं है कुछ है इसमें उसका खुद का परफॉर्मेंस क्या है तो किस हिसाब से आप लोग चूज करते हो ये सब ये प्रश्न उठेगा ये क्वेश्चन रेज होगा और ये क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा आउटसाइड नॉइस तो होगा जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है तब आप लोगों का बहुत तारीफ भी होती है तो क्रिटिसिज्म सुनने का भी हिम्मत रखना चाहिए उसमें उससे सीखना भी जरूरी है हर एक आदमी गलत नहीं बताता है गावस्कर सर आप लोग कहीं से भी कमती प्लेयर नहीं है नहीं विश्वनाथ थे आप लोग सोच भी नहीं सकते थे वो लोग कैसा कैसा गेंद गेंदबाजों को फेस किए इसलिए डोंट ट्राई टू प्रोटेक्ट योअर सेल्फ डोंट ट्राई टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ You are protecting yourself rather than rectifying it। aur और पाकिस्तान का भी वही हाल है अकेला पैट कमिंस ने भारी पर गया पाकिस्तान के पाकिस्तान के ऊपर बट दे फॉट दे फॉर्ट हार्ट लेकिन आप लोग तो सरेंडर कर गए 101 ओवर दोनों इनिंग्स मिला करके आप बोल रहे हैं कि बल्लेबाजी में कभी हम लोग अच्छा बैट नहीं किए ऐसे ऐसा नहीं है ये 400 का विकेट नहीं था तो फिर कैसे बना 400? आप लोगों को सोचना चाहिए आउटसाइड नॉइस को भी ध्यान देना चाहिए सीखिए उसमें से सीखने का जरूरत है ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं सब कुछ सीख गए माहिर है हम कोई भी माहिर नहीं होता लर्निंग इज द प्रोसेस यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी स्टेप

इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज इस तरह का कॉम्बिनेशन रहा तो ये सीरीज टू जीरो से हार सकते हैं बहुत ही पिछले मुकाबले से काफी वीक साउथ अफ्रीकन टीम से बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने शेयर करने लाइक करने कमेंट्स करने नहीं भूलिएगा